पूरी क्षमता के साथ वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में टॉयलेट्स भी उपलब्ध हैं, तो वहाँ इस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। कार्यक्रम का समय क्योंकि दोपहर को होगा, तो आयोजकों की ओर से खास कैब की व्यवस्था भी की गई है, देखिए ताकि गर्मी के कारण धूप के कारण कोई परेशानी ना हो। ये मुख्य सूचनाएं थी। मैं मेरे साथी जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक श्री बोखलिया हैं, उस दिन इस कार्यक्रम में आने वाले नागरिकों को और अहमदाबाद शहर के और बाकी नागरिकों को जो अहमदाबाद में आना चाहते हैं या आएंगे उस दिन, उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, मैं श्री मोथलिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इसके बारे में माहिती। ट्रंप की सुरक्षा को लेकर कितने अमेरिकन सुरक्षा बल रहेंगे और कितने भारतीय सुरक्षा बल रहेंगे इसके अंदर? उनके साथ जो अमेरिका से सुरक्षा अधिकारी आए हैं काफी बड़ी संख्या में आए हैं, वो संख्या मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि उनके साथ भी बाद में भी कुछ लोग आने वाले हैं, उनकी ओर से पूरी टीम उसमें। सर कितने लेयर में सुरक्षा रहेगी? आप लेयर तो ये टर्मिनोलॉजी सुरक्षा टेक्निकली नहीं है, लेकिन तीन लेयर में रहेगी। सर एयरपोर्ट से जो मोटेरा स्टेडियम है उसका डिस्टेंस कितना है और कितने लोग रस्ते के आजू बाजू खड़े हैं? वहाँ पे सुरक्षा कैसी रहेगी? अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेके जो अभी तक हमारे पास कार्यक्रम है, पहले आश्रम, सर वो क्लियर हो चुका है, फिर वापस वही हासोल एयरपोर्ट की तरफ से होते हुए मोटेरा स्टेडियम जाएंगे। सर आसपास में कितने लोग रहेंगे, सुरक्षा किस प्रकार की रहेगी वहाँ पे? देखिए आयोजकों की ओर से बड़ी संख्या में नागरिकों को आमंत्रण दिया गया है, तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में रास्ता पूरा भरा रहेगा और हम किसी भी संख्या को भी करने के लिए तैयार हैं, हमने ऐसी व्यवस्था की। गाड़ियाँ कितनी रहेगी? काफी रोड शो के लिए भी आमंत्रित है या फिर रोड शो के लिए आसपास के लोग भी खड़े रहे? आसपास के लोग आए, वहाँ पुलिस योग्य तरीके से चेकिंग भी करेगी, वो आए वही लोग काफिले में कार कितनी रहेगी? सर आंकड़ों की बात करें तो संख्या कितने सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे इस पूरे उसमें, और जहाँ तक सिटीजंस की बात करें तो रोड शो पे कितने सिटीजंस होंगे, स्टेडियम के भीतर कितने संख्या में लोग मौजूद हो? स्टेडियम में जो कैपेसिटी है वो लगभग 1,10,000 की कैपेसिटी है, तो 1,00,000 से ज्यादा आदमी स्टेडियम में रहेंगे, वो दर्शक होंगे, जो आमंत्रित मेहमान हैं उनकी संख्या में बता रहा हूँ। इसके अलावा बाकी राज्य सरकार के अलग अलग विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी फैसिलिटेशन के लिए होंगे। पुलिस की ओर से लगभग 5,000 अधिकारी और कर्मचारी वहाँ ड्यूटी पर होंगे। सर काफिले में कितनी कार होगी टोटल, पूरा काफिला जो निकलेगा रोड शो को लेकर या फिर 22 किलोमीटर का पूरा? आपने आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला बहुत बार देखा है, अब की बार क्योंकि राष्ट्रपति जी का भी काफिला है, दोनों काफिले अलग अलग चलेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड कारकेड है प्रधानमंत्री जी का कारकेड उतना ही बड़ा होगा, और राष्ट्रपति जी का कारकेड उनके साथ जो व्हाइट हाउस से कर्मी आएंगे उनके और अधिकारी होंगे उसको देखते हुए 5-10 कम या ज्यादा हो सकता है। सर दोनों एक ही व्हीकल में होंगे, दोनों अलग अलग व्हीकल में होंगे? ये एग्जैक्ट सूचना अभी तक मेरे पास नहीं है, उस वक्त जैसा भी निर्णय होगा उसके अनुसार। सर हमने पहले रोड शो में देखा है कि ओपन जीप में रोड शो कर रहे, तो क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ओपन जीप में जाएंगे या अपने काफिले में ही रोड शो देखते हो जाएंगे, ऐसी कुछ? देखिए वैसे ये निर्णय ऊपर से जो भी हमारे तक कम्युनिकेट किया जाएगा उसके तरह, जो अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन है ओपन जीप में रोड शो में अभी तक जो माहिती मेरे पास। हाँ। सर रोड शो में कितने लोग रहेंगे और रोड शो में कितने पुलिसकर्मी तैनात? रोड शो में कितने लोग रहेंगे वो मैं अभी कह नहीं सकता हूँ, लेकिन पूरा रोड भरा होगा, जो मुझे जो माहिती मुझे है उसकी गिनती कितनी होगी वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। सर 1,00,000 देखिए जिसने जिसने जो संख्या कही है आप ये प्रश्न उन्हीं से करें, मैं कह रहा हूँ कि रोड पे लगभग पूरा रास्ता भरा होगा, बड़ी संख्या में नागरिक होंगे और अभिवादन क्योंकि नमस्ते ट्रंप के नाम से कार्यक्रम है, तो
तो मैं मानता हूं कि कोई भी आदमी इस तरह का रिस्क ना ले कि कितने लोग होंगे वो सचोट संख्या कहीं नहीं। सर उसके हिसाब से सुरक्षाकर्मी कितने होंगे दोनों रोड साइड टोटल? दोनों रोड साइड पे सफिशिएंट व्यवस्था की जाएगी। आप मान के चले कि 1000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी रोड शो में जो रोड मैंने आपको बताया रूट पूरे पे रहेंगे। अलावा इसके चेकिंग पुख्ता होगी। कोई भी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है उसका संपूर्ण उपयोग किया जाएगा। जो अभिवादन करने के लिए नागरिक आ रहे हैं उनको असुविधा ना हो, उनकी चेकिंग भी हो जाए, किसी तरह की परेशानी ना हो, सुव्यवस्थित सुचारू रूप से कार्यक्रम चले, इस तरह से व्यवस्था की जाए। सर आपने पहले कहा कि साबरमती आश्रम हेड ऑफ नाम आपके पास जानकारी है, लेकिन एमईए ने साफ कर दिया कि ट्रंप की इटर्नरी में कहीं पर साबरमती आश्रम नहीं है। इन स्थितियों में क्या स्टेडियम तक सीधे जाएंगे एयरपोर्ट से या कोई और रूट से भी कुछ जा रहे हैं? मैं जनाब भाई फिर से वही चीज दोहराऊंगा कि अभी तक आपके पास ये इंफॉर्मेशन हो सकती है, ऑफिशियली हम तक इस तरह की कोई स्पष्टता अभी तक नहीं आई है। तो हम अपनी पूरी तैयारी आश्रम के साथ किए हुए हैं। सर रोड शो जिस रास्ते से जाएंगे, ट्रंप जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते से वापस भी एयरपोर्ट की ओर आ रहे हैं, तो क्या उस बीच लोगों को मूवमेंट की इजाजत रहेगी या जब तक चले नहीं जा सकते हैं तब तक लोगों को वहीं पे रहना पड़ेगा जो लोग रोड शो में शामिल होने आ रहे हैं? मैं इस प्रश्न को इस तरह से देखता हूँ कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के दो बड़े नेता जब वहाँ से पास हो रहे हैं तो लोग स्वयंभू और बड़े उत्साह के साथ वहाँ होंगे, और क्योंकि बहुत देर का कार्यक्रम नहीं है तो मेरा मानना ऐसा है कि नागरिक चाहेंगे कि जब वो आ रहे हैं तब भी उनका अभिवादन करें, जब वो जाएं तब भी उनका अभिवादन करें। लोगों को मूवमेंट करने की इजाजत होगी या नहीं होगी? हमारी ओर से किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा।